नए वीडियो के साथ आज सुबह का नजर। आज मैं इधर से सिंसांग में पूछने से पहले नाग मंदिर से पहले मैं ठहर गया हूँ उधर से। मैं अभी इधर से निकलने वाला, अभी मेरा नया वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। आज मैं सिंसांग में ठहरेगा शायद, ऐसा लगता है मेरे को। उधर में घूमने का है मेरे को, उधर में थोड़ा मतलब विलेज का मतलब नशेड़े मेरे को पता करने का है, मतलब उसका ट्राइब के बारे में और कैसा चलता है वो सब के बारे में पता चलने का है। और मेरे को इधर में बोरका होटल में ठहर गया मैं आज, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुविधा दिया। मतलब अंदर में सोने के लिए बोला था, मेरा साइकिल बाहर है, इसकी वजह से मैं बरामदा में टेन लगाकर सो गया था। और काफ़ी ज़्यादा ठंडा इधर का मौसम, और इधर का टेंगावेली का रिवर्स भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा। मैंने उधर में नदी में भी थोड़ा उतर कर आ चुका था, मेरा कपड़ा वपड़ा सब गीला हो गया और मैं गिर गया था। उसके बाद भी निकलते हैं, और मेरे को अभी लंबा चढ़ाई मिलेगा, इसकी वजह से कल रात मैंने नहीं निकला था, तो आज निकलते हैं। तो चलो गाइस, विलेज में पहुंचने वाला है गाइस। इधर का नजारा काफी खूबसूरत है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंची ऊंची नदी, नदी का पूरा पहाड़ रास्ता ऊपर से नदी नीचे से, और ऐसे नजारा और जाइए क्या है गाइस। और ऐसे मतलब ऐसे नजारा को देखकर कितना अच्छा लगता है। और मैं अभी चिंचुम विलेज में पहुंचने वाला है, और उधर में थोड़ा बहुत घूमेंगे, उसके बाद में निकल जाएंगे दिरांग के लिए, नहीं तो तिंगा वैली के लिए, नहीं तो सिंसू में ही मैं एक दिन ठहरूंगा। उधर में अच्छा लगा तो मैं उधर में एक दिन घूमूंगा, उधर का नज़ारा वज़ारा और नज़ारा उधर का लोकेलिटी को पहचानने के लिए कोशिश करूंगा मैं। तो निकलते हैं गाइस और मैं आगे के लिए, तो कैसा होता है देखते हैं। और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे जैसे मैं ऊपर चढ़ते रह रहा है ना, तो वैसे मेरा सांस फूलने बहुत सांस फूलने लगा मेरा भी। जैसे सिंसू विलेज में हाई एल्टीट्यूड का मेडिसिन लेना पड़ेगा, और नहीं तो तिंगा वैली में लेगा मैं। उधर में देखेगा हाई एल्टीट्यूड का, अगर मैं तवांग जाएगा तो मेरा तकलीफ होगा, तो हाई एल्टीट्यूड का मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो मिलते हैं गाइस आगे के नज़ारों के साथ, रास्ता के नज़ारों के साथ। तो चलो अभी टेंगा का आसपास में पहुंचा था, मेरे को एक भाई मिला था, तो तीन चार आदमी था, तो मेरे को उधर में लंच वगैरह करवाया और खाना वाना खाया, थोड़ा मतलब खाने पीने का सामान भी दिया है। और मैं अभी इधर से निकलेंगे, रूपा में जाएंगे, नहीं तो दिरांग में चला जाएगा मैं। उसके बाद मेरा अभी तवांग जाने के लिए आज नहीं पूछेगा, मेरा तीन चार दिन जैसे लगेगा, क्योंकि बहुत चढ़ाई मिलने वाला अभी ऊपर में, और वो लोग को दिखाते जो मेरे को मदद किया है। ये था ये भैया मेरे को मदद किया था, और उसका घर यही है। अभी मैं बस में ही है, फिर अभी मैं निकलेंगे और आर्मी का उधर से निकल सकता, फिर इधर का गांव का एक्सेस मेरे को समझ में नहीं आता है, आर्मी कैंप है या वैसा है क्या है मेरे को समझ में भी नहीं आता। फिर गांव की वजह से ऐसे मैं आगे निकल चुका था, मेरा दोस्त का गांव में नहीं गया था, फिर वापस रिटर्न करने के टाइम उसका घर में जाएंगे। तो मिलते हैं आगे के नज़ारों को सर। अभी इधर में काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रहा है, गर्मी भी हो रहा है, और जैसे मैं बढ़ते जा रहा हूँ हवा ठंडा ठंडा हवा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। और अभी दिन में तो थोड़ा बहुत गर्मी लगता है, गर्मी तो जैसे चल रहा है, इसकी वजह से शरीर गर्मी हो रहा है, इसकी वजह से गर्मी लग रहा है। निकल जाते हैं तो चल गाइस।
बोमडिला के आसपास में पहुंच चुका, और इधर में मौसम बिगड़ने लगा है गाइस, और बरसात होने लगा है, बरसात थोड़ा थोड़ा गिरने लगा है। अभी मेरे को डर है, मतलब बरसात आएगा तो मेरा रेनकोट बहुत अंदर रह चुका है, और रेनकोट को निकालने के लिए पूरा सामान को निकालना पड़ेगा, मेरा कपड़ा को निकालना पड़ेगा, और बहुत टाइम लग जाएगा। और मेरा जो तिरपाल लाया है वो उसको लगाएगा, पूरा ढक कर हम बैठेगा अंदर, तो भी वो सोता पड़ गया। मैंने पहले काट दिया था टेन और बैग वगैरह को कवर करने के लिए, मैंने गलती कर दिया काट कर, फिर इसकी वजह से मेरे को अभी थोड़ा डर है। अभी भी बहुत लंबा है, दुकान वगैरह भी नहीं मिला, दुकान मिलता है फिर साइकिल वगैरह का रखने का जगह नहीं आता। इधर का दुकान ऐसा है कि घर के अंदर ही चाय चाय पीना हो या मैगी खाना हो या कोई खाना हो तो घर के अंदर ही होता है, एक हॉल में ही खाना पड़ता है। इधर में इधर का दुकान ऐसा ही, मतलब बहुत छोटा छोटा पहाड़ इलाका है ना, तो पहाड़ इलाका में ऐसा ही होता है, तो छोटा छोटा दुकान है, तो जगह बड़े जगह नहीं है, सामान रखने का जगह नहीं है, तो इसके वजह से मेरे को डर है। अभी ऊपर में जाने के बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। अभी मैं तवांग में जाने के बाद तवांग में भी ऐसा लगता है, आज का मौसम देखकर तो बरसात स्नोफॉल होगा ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा मौसम बिगड़ रहा है इधर में भी। तो अभी मैं मिलते आगे के नज़ारों का सब गए। बोमडिला से ऊपर बहुत ऊपर आ चुका है अभी, अभी मैं धीरंग के लिए निकलेगा, अभी थोड़ा आगे जाने के बाद डाउन मिलेगा, तो डाउन मिलने से मेरे को उतरना पड़ेगा। अभी बहुत जल्दी मौसम बिगड़ गया था, इसके वजह से मेरे को पूरा सामान को पूरा वाटरप्रूफ बनाना पड़ा, पूरा पैक करना पड़ा, और मैं भी रेनकोट पहनना पड़ा, बहुत टाइम लग गया उधर में, नहीं तो मैं आगे पहुँचने वाला था। और मैं आज तो धीरंग तक तो नहीं पहुँचेगा, आगे अगर टॉप में पहुँचने के बाद उधर में ही ठहरेंगे, मैं टॉप में पहुँचने के बाद उधर ही टेंट लगा कर ठहर जाएगा, नहीं तो कई साइड में देख लेगा। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका है, बहुत लंबा आज तो 70 किलोमीटर भी कवर नहीं कर पाया ऐसा लगता है मेरे को, फिर बाद में गूगल मैप देखने को टाइम ही मालूम पड़ेगा। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, और साइकिल का दुकान भी नहीं है, और ख़राब होगा तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगा मेरा। तो मिलते हैं आगे का नज़रों का सब गाइस। में ख़त्म करते गए, और इधर में ग्रीन से ग्रीन एप्पल रेड एप्पल्स मिला था, वो भी बहुत महंगा 300 रुपया है, तो मैंने लिया नहीं है, और मेरा टेन वगैरह लगा लिया। इधर में एक भैया था, उसने भी मेरे को टेन मेरा टेन लगाने के लिए मदद किया है, ये देख सकते हैं मेरे को, मेरा टेन इधर में लगाया है, इधर में लगा था आज। अभी इधर आज ही इधर ठहरेंगे, और हवा भी बहुत ज़्यादा होता है वाला इधर, और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वैसे भी बरसात आ चुका है, बरसात आया था इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मेरा जैकेट भी अंदर रह गया था, इसलिए खोला नहीं, रेनकोट पहन कर बैठा हुआ। अभी रेनकोट भी चलता है मेरा, रेनकोट अच्छा रेनकोट है, तो गर्मी गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं होता है इसमें, और अंदर में थोड़ा एक एक दो गर्म कपड़ा पहन दिया तो आराम से बहुत गर्म रहेगा मेरा रेनकोट, तो इसकी वजह से मेरा अच्छा लग रहा है। और मेरे को मतलब मेरे को तो ठंडा जगह में रहने का आदत हो चुका है, तो इसकी वजह से मेरे को इतना ठंडा नहीं लगता है, तो मेरा आदत हो चुका है, इसकी वजह से मेरा चलता है। तो जैसे मैं तवांग की ओर बढ़ेगा तो तवांग में ठंडा ज़्यादा होगा शायद ऐसा लगता है मेरे को, और साइकिल वगैरह को भी लॉक करके रख देगा, फिर सो जाएगा। मैं कल सुबह भी जल्दी उठने का, और इधर में जियो का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, आगे में जियो का नेटवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ फर्क नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और वीडियो अपलोड करने में मेरा बहुत तकलीफ़ हो जाएगा, और मेरा फ़ोन मेमोरी भी मेरा स्टोरेज भी इतना 12 स्टोरेज नहीं है, SD कार्ड है पर SD कार्ड ख़राब हो चुका है मेरा, इसकी वजह से मैं तकलीफ़ हो जाएगा मेरा अभी अगर नेटवर्क नहीं मिलेगा तो। फिर देखते हैं क्या करते हैं, तवांग में जाने का नया SD कार्ड लेने का भी, और सामान खाना पीना का सामान भी बहुत महंगा है इधर में, अगर एक प्लेट
राइस खाएगा तो उसमें 300-400 रुपया जाता है उसमें, और मेरा पास बनाने के हवा ज़्यादा पास हो रहा था इसकी वजह से बना नहीं पाता है, और ट्रेन के अंदर तो बना ही नहीं सकता, गर्म हो जाएगा तो फिर तकलीफ हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नया वीडियो कल का, नया वीडियो का साथ। तो मेरा वीडियो आज इधर में ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं कल दिरंग दिरंग का आगे में मिलते, दिरंग दिरंग का आगे तक पहुँचेगा शायद हम कल, तो दिरंग तक तो पूरा डाउन है बोला, फिर कैसा था देखते हैं, दिरंग का आगे तक पहुँचेगा मैं तो चलता हूँ। चलो गाइस तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो शेयर करो, दम सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस।